अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए थे। बाइडेन ने राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन अमेरिका लौटने से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल का दौरा किया और वहां फादर निकोलस डायलस से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और फादर निकोलस डायलस के बीच क्या बात हुई और इस चर्चित मुलाकात का मकसद क्या था, इसके बारे में खुद फादर निकोलस डायलस ने बताया। ये सुअवसर मेरे लिए मिला क्योंकि मैं US एम्बेसी के स्टाफ से संपर्क रखता था, तो उन्होंने मुझे संपर्क किया, मेरे से बात की, मेरे घर पे आके कि ये मांग है US प्रेसिडेंट की कि मैं उसके लिए उसके साथ मिसा बलिदान चढ़ाऊँ। ये सोचकर कि मुझे सिर्फ 20 मिनट दिया है, मैं जो लिटर्जी इंचार्ज हूँ डेली डायसिस का, मैंने हर एक चीज़ मन में रख के उसको कागज के रूप में पेश किया और उनको भेजा, और सारी चीज़ें उस दिन से पहले वो ले चुके थे सिक्योरिटी के कारण। जब वो मुझे लेने आए मेरे घर से क्लर्जी होम से, तो मिसा बलिदान 6:30 बजे बोला था, पर उनकी लेट होने के नाते हम लोग 9 बजे शुरू किए। मेरा यही अनुभव है कि हमने अपने विश्वास की बातें की और उसके सिवाय कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी है इस मतलब के लिए, इस मकसद के लिए मुझे चुना था कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि G20 का समिट का आरंभ होने वाला था। जैसे प्रभु एकांत में बाइबल में लिखा है, प्रार्थना करने जाती थी कोई विशेष कार्य संपन्न करने से पहले, वैसे योग्य समझा कि जो बाइडेन ने, जो कैथोलिक है, विश्वासी है, जो संत पिता को बहुत करीबी से स्वीकारते हैं, मानते हैं पोप फ्रांसिस को, कि हम मिसा बलिदान के द्वारा प्रभु का वचन और कम्युनियन लेकर हमें उससे प्रेरणा मिले और प्रभु के साथ हम प्रार्थना करके शुरुआत करें। ये मैंने प्रेसिडेंट को अपनी निवेदन, विश्वासियों को निवेदन लीड करने के लिए कहा, और उनके साथ ही जो डॉक्टर भी थे, उनके पीए भी थे, उनको भी मैंने शामिल किया। तो ये एक तरह से एक पार्टिसिपेटरी विधि थी, और मैंने गाने भी अपनी तरफ से उनके लिए गाए। प्रेसिडेंट बाइडेन ने मेरे हाथ से पवित्र संस्कार लिए, ये मेरे लिए सौभाग्य था। पर हम जानते हैं वही ईश्वर जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, जिसके द्वारा मैंने इंडिया को प्रतिनिधि बनकर अनेक देशों में काम किया है और युवा लोगों को खासकर देश के लिए, विदेश के लिए काम किया है, वही ईश्वर हमें जोड़ लिया है और हम उसमें बदल जाते हैं। जैसा संत पौलुस कहते थे, मैं जीवित मैं नहीं हूँ पर ईश्वर मुझ में जीवित है। हाथ पकड़ के बाइडेन प्रेसिडेंट ने मुझे कहा, मैं भी कुछ आपको देना चाहता हूँ, और एक ऐसा एक तोहफा दिया जो सिर्फ ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अहम है उनके लाइफ में। और ये जो मुझे मेमोरेबिलिया दिया है उसका नंबर है 261-261, यानी मेरे से पहले उन्होंने 260 लोगों को पूरी दुनिया के दिया है। इसका महत्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसने मुझे चुना इस मेडल के हकदार बनने के लिए, और हम गले लगाकर मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसके सिर पर हाथ लगा के, और मुस्कुराते हुए हमारी यह समय बीत गया।